जवाब न दूंगा बल्कि पहले अपने चाचा से मशवरा करूंगा। आज माँ बाप औलाद की परवरिश करते हैं, मेरे नौजवान भाई बैठे हुए के आपकी परवरिश माँ बाप करते हैं, किस किस तकाली को उठा करके वो आप इस उम्र तक पहुंचाते हैं कि आप शादी करने के लायक हो जाओ। मगर जब जो भी बच्चा बालिग होता है शादी करने के लायक होता है ये फिक्र निकाल देता है कि माँ बाप की कोई चीज है मन पसंद की शादी, ये अजीब रिवाज चल पड़ा है। माँ बाप तैयार ना हो तो लेकर के भगने की तैयारी, लेकर के जाने की तैयारी। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरा उस नबी को देखो जिसके अख्तियार में अल्लाह ने सारी कायनात को दिया है, जिसे रब ने सारी कायनात के खजानों का जमचा बना करके भेजा है। और नबी शीशे का मोहताज लगेंगे, अगर कोई मोहताज थे तो मुस्तफा की जात का मोहताज थे, मगर मुस्तफा किसी के मोहताज लगेंगे के बावजूद मुस्तफा कह रहे हैं पहले मैं अपने चाचा से मशवरा करूंगा। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, जब तुम भी शादी के लायक हो जाओ कोई तुम्हें इस तरीके की बातें करे कि चले दौर चले तो कहो कि मैं अपने बाप को मशवरा करूंगा, इसलिए कि बाप से मशवरा करना ये किसी और के लिए बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। ये रसूल पाक की सुन्नत है। अब प्यारे आका मुस्तफा जा रहे हैं शादी हो चुकी है। जब यह खबर पहुंची तो आप थोड़ी हुई चलती आए और आए तो क्या देखा कि बेटा मोहम्मद बेटा हुआ है, बहू खदीजा इधर उधर टहल रही है। जो कि आका ने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ चल करके आ रही है, आका उधर के खड़े हो गए, ये माँ की तादीब हो गए। वो नबी जिसके लिए अल्लाह ने सारी आसमतें रखी है, जिसके लिए अल्लाह ने सारी ताजिबें रखी है, वो नबी उठ करके अपनी माँ की तादीब के लिए खराब हो जाता है। लोगों तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माँ के कदम करे उनकी इज्जत करे तो पहले तुम अपनी माँ के कदम किया करो, उसके बाद वो तुम्हारी माँ की कदर किया करेगी। जब वो खातून करीब आई, आपकी माँ करीब आई तो आपने अपनी चादर पाक उतारा, अपनी कमीज शरीफ उतारा, जमीन पर बिछाया, कहा अम्मी जान पुष्टि कर दो। माँ बेटी जब हजरत खदीजा ने देखा कि प्यारे आका मुस्तफा जाने रखा कोई खातून चलकर के आएंगे उनके एहतराम में खड़े हो गए, अपनी चादर शरीफ को बिछाया के उस पर उनको बिठाया के तो करीब आई और आकर के पूछा कि ये कौन औरत है जिसकी आप अपनी तादी को तोकीर कर रहे हैं। कहा ये मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। जब खदीजा ने ये जुमला सुना कि मेरी माँ है तो आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ने के बाद आपको जमीन से उठाया, जमीन से उठाने के बाद पलंग पर लिटाया, वही आपके साथ उलाए, वही घर पर गए प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत बाहर से चलकर के
के तशरीफ लाए तो क्या देखा, कमरे वाले मोहम्मद की आंखों से आंसू बहा दबा गए, आपके आंखों से आंसू बहा लगे गए, आंसू गिर लगे गए। हजरत खदीजा दौड़ करके गई प्यारे आका को अपने साथ भी अपने साथ लिया और चारपाई पर जाकर के लिटा दिया और कहा आका रोते क्यों गए, रुके मैं आपके लिए दूध लेकर के आती हूँ, आप दूध लेकर के आए। प्यारे आका रो लगे गए, कहते गए कि आज लोग मुझे गालियां दे लगे गए, बुरा बुरा कर लगे गए, मेरी बात नहीं मान लगे गए, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर लगे गए। हजरत खदीजा कहती गए वही आपको मान लगा गए, नहीं मान लगा इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्या आपको मान सकती हूँ ना। मेरे आका आप याद रखे, मेरे आका आप याद रखे, अल्लाह आपको बहुत अजमत रहमत अता फरमाने वाला। एक दिन सारे आका मुस्तफा जा रहे रहमत घर तशरीफ लाए तो आपका चेहरा उतरा हुआ है। हजरत खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह आप परेशान हाल क्यों हैं। कहा ऐ खदीजा मैं किसी से कहता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का हबीब बनकर के आया हूँ, जरा कलमा पढ़ लो उस दीन की तरफ आ जाओ जिस दीन को मैं लेकर के आया हूँ। तो लोग कहते हैं आगे आप गुलामों की खाने की जाती है, आप गुलामों को अजियत की जाती है। हमने और आपने क्या इस्लाम देखा है, हमने देखा है कि हमारा बाप टोपी लगा रहा है, हम भी टोपी लगा करके मस्जिद में चले गए थे, हमने देखा है हमारा भाई कुरान देख रहा है, हमने भी कुरान को हाथ सुखा लिया है, आंखों से लगा लिया है, हमने देखा है हमारा बाप चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए है, हमने भी चेहरे पर दाढ़ी सजा ली है। अरे किन किन तकलीफों के बाद ये इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है, जरा अल्लाह से करे अल्लाह अब्दुल कबीरा एक सहाबी की जो है एक धारदार चीज से उंगलियां काटी गई। आज वक्त का कितना की बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर उंगली दरवाजे में दब जाए तो मुंह से चीज निकल जाती है। उस सहाबी की धारदार चीज से औजार से उंगलियां काटी गई। कहा इस्लाम छोड़ेगा, उस सहाबी ने कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे से हाथ को काटा, कहा इस्लाम छोड़ेगा, कहा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा।